फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से परे हैं, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए, जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूँ। वो मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊंगा। जयराम जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और ये जल्द सरकार गिरने वाली है, वो समय बताएगा ना। अभी तो मैटर कोर्ट में है, तो उसके बारे में तो मैं टिका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन द मैटर इज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर टू स्पीक ऑन द मैटर दैट इज सब जूडिस। तो लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। देखिये, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरा कोई मैल नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं तो उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या? मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहाँ गया, जो जिम्मेवारी थी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया, तो दोनों चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी ईश्वर खड़ा है, जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी, और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, डीके शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुडा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है, और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। मैं कह चुका हूँ, जिससे मैंने मिलना था मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आने वाले समय में द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड, जो उनने हमको जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने निर्वहन किया है। अब आने वाले समय में हाउ थिंग्स प्ले आउट दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी हाई कमांड, बाय द पार्टी, एंड एज फार एज द मैटर इज़ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के विचाराधीन है, तो क्योंकि मैटर सब जूडिस है, तो उस पर मेरा कुछ कहना या मेरा कोई टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि सही नहीं रहेगा। देखिए, जो भी बात थी वो मैंने साफ कह दी है, हाईकमांड को कह दी है, और हाईकमांड का जो मत था वो मैंने उनको सुना दिया है। अब इसको मीडिया में कहना, उन चीज़ों को मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी के साथ ये जिम्मेवारी दी है, तो उसको उसका व्याख्यान हर जगह करना ये ठीक नहीं है। मगर मैं गया था, बात करी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है।